दोस्तों आज हमारे साथ हैं बलवंत सिंह, ये उदयपुर राजस्थान से हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे। इनको पिछले 3 साल से IBS कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी। इन्होंने जो अपने सिम्टम्स बताए थे कि गैस इनको बहुत ज़्यादा बनती थी, कॉन्स्टिपेशन इनको रहता था, पेट कभी साफ होता ही नहीं था, खाने के बाद इनका पेट जो है फूलता था और पेट इनका टाइट हो गया था, यानी कि नले भी इनको पड़े हुए थे, एसिडिटी भी इनको होती थी और ना भी इनकी खिसकी रहती थी। बलवंत भाई, आपने कहाँ कहाँ इसका इलाज करवाया है वो बताइए। सबसे पहले तो ये मतलब मैं जिम ज्वाइन की थी ना, हाँ। तब इसके बाद 10-15 दिन वो वजन उठाया, उसके बाद मतलब ये बीमारी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद मतलब पेट साफ होना बंद हो गया था, फिर धीरे धीरे मैं बढ़ती गई, फिर मैं गया हॉस्पिटल लिए। अच्छा, वहाँ पर जाके मैंने ट्रीटमेंट लिया, उससे कुछ आराम नहीं, उन्होंने वो पेट साफ करने की वो दवाई दे दी, उसके बाद दस्त वस्त लगती थी, शरीर कमजोर हो जाता था एकदम। फिर मैंने ये फिर आयुर्वेदिक चालू किया। अच्छा, आयुर्वेदिक मतलब 1 साल तक लिया, उससे मतलब थोड़ा बहुत राहत मिला था, फिर वापस चालू हो गई बीमारी। उसके बाद वापस ये अंग्रेजी दवाई ली थी, फिर वापस साल भर उसको और चलाया, फिर जैसे मतलब वो गोली खाते थे तो पेशाब में जलन होने लगी, गर्मी बढ़ जाती थी शरीर में। जैसे जैसे वापस किया, फिर आपका मतलब वो वीडियो देखा था, फिर धीरे धीरे आपके पास आए, अभी बहुत आराम है। आपको गैस अभी नहीं बनता है? नहीं। कब्ज आपका कैसा है? कब्ज अभी थोड़ा बहुत होगा। कब्ज अभी देखो, ये इन्होंने क्या किया, अभी 2-3 दिन तक इनका ठीक था, लेकिन बीच में इन्होंने कुछ दलिया ज़्यादा खा लिया था, शाम को दलिया बना हुआ था। अभी इनको देखिए, हैवी चीज़ जो है कुछ भी खाएंगे तो अभी थोड़ा सा इनको कॉन्स्टिपेशन रहेगा। बाकी इनका जो पेन पॉइंट हमने चेक किया, इनके हाथों की सूजन अभी उतनी नहीं है जितनी पहले थी, ठीक है। पेट भी इनका काफ़ी टाइट था, अभी उतना टाइट नहीं है, ठीक है। एसिडिटी तो नहीं है ना? एसिडिटी नहीं। और खाने के बाद जो आपका पेट फूलता था नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पेट में इनके HCL भी बढ़ चुका है और सूजन भी इनकी अच्छी है, ठीक है। और पेट जो इनका टाइट था अभी कैसा है? अभी तो नरम हो गया। नरम है, ठीक है। तो इनकी नाभि भी अभी सेट रही है? नाभि सेट है, ठीक है। जब तक देखिए, इसमें क्या है कि जब तक हम नाभि को नहीं सेट करेंगे आपकी समस्या नहीं जाती। कितना भी कुछ भी करा लो, आप आयुर्वेदिक खा लो, होम्योपैथी खा लो, एलोपैथी खा लो, दुनिया भर के जितने भी आपको महंगे से महंगे डॉक्टर हैं सब जगह दिखा लो, ठीक है, आपका कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आंतों की सूजन ठीक करके नाभि को ना सेट करेंगे तब तक आपकी समस्या जाएगी नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ में यही होता है कि भैया हमें अगर इसको ठीक करना है तो सही ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, सही जगह पर हमें ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है, ठीक है, तभी आप ठीक हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपको भटकने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको सोचना है, समझना है। आजकल YouTube में बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको ऑनलाइन दवाइयाँ दे रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी के नाम पर आपसे पैसे ले रहे हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन आपको योगा डाइट बताने का पैसे ले रहे हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ डाइट फॉलो करने से भी आपका IBS ज़िंदगी में ठीक नहीं होगा, ठीक। ये मान के चलना कि जब तक आपके हाथों का सूजन ना ठीक होगा, ना भी सेट नहीं होगी, आपकी IBS जो है कभी ठीक होने वाली नहीं, ठीक। तो ये सब चीज़ हमें बारीकियां जो हैं उसको समझनी है, ठीक। कई बार हमें भी लोग ऑनलाइन मेडिसिन के नाम पर फ़ोन करते हैं कि आप मुझे कुछ दवाई भेज दो या कुछ ऐसा चीज़ बता दो या कुछ आप फ्री में फीस ले लो, मैं आपके खाते में पैसा डाल देता हूँ, मुझे ये चीज़ बता दो कैसे ठीक होगा। मैं उनको डायरेक्टली ना बोल देता हूँ कि भैया मेरे पास इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है, जब भी आपको समय मिलेगा, आज नहीं 2 महीने बाद, साल भर बाद आके इलाज करवाइए, 100% आपको ठीक करके भेजा जाएगा, ठीक है दोस्त। बाकी सर, खाने की रहने की व्यवस्था एकदम सही थी आपकी, और वो सुबह योगा वोगा भी मस्त था। देखिए, हम इतना मेहनत जो करते हैं लोगों के पीछे कि सुबह में योगा भी कराना, 2 टाइम ट्रीटमेंट देना, 2 टाइम खाना देना, नाश्ता भी देना, वो सारे एफर्ट हम लगाते हैं सामने वाले के लिए कि भाई बंदा जल्दी से ठीक होकर जाए, ठीक। बट आपको भी अपना क्या कहते हैं, अगर हम आपको 110% दे रहे हैं तो आपको सामने से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है, पेशेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है, और 100% आपका IBS ठीक होगा, ठीक है दोस्त।